Hello my dear students, welcome again in my YouTube channel. I think you all know we are discussing this video series for class 10th students. और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ डिस्टिंक्ट एरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे और उन एरिया का नाम है ग्रे मैटर और वाइट मैटर. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स दूंगी, ग्रे मैटर और वाइट मैटर. तो इसका नाम ग्रे मैटर क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि ग्रे इन कलर है. अपीयरेंस इसका कैसा है? ग्रे इन कलर. एंड व्हाई व्हाइट मैटर? बिकॉज इट लुक्स व्हाइट इन कलर. एंड व्हाई व्हाइट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैटी माइलिन शीथ. व्हाइट क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. तो आप लिखेंगे उसका आंसर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैटी माइलिन शीथ. अराउंड नर्व फाइबर, जितने भी नर्व फाइबर्स हैं उनके अराउंड जो माइलिन शीथ होगी, नर्व फाइबर्स. अगली बात, अगर हम लोग ग्रे मैटर की बात करें तो यहाँ पे कंसिस्ट किसका बना हुआ है? यहाँ पे कुछ सेल बॉडीज हैं स्टूडेंट्स. सेल बॉडी आपको पता है, जिसको हम लोगों ने साइटॉन बोला था न्यूरॉन में. सेल बॉडीज और साइटॉन लिख सकते हैं, ये इनके कंसिस्ट है, मतलब बने हुए ग्रे मैटर. डेंड्राइट्स एंड साइनैप्स ऑफ न्यूरॉन. डेंड्राइट्स एंड न्यूरॉन्स. यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? नर्व फाइबर्स होंगे अराइजिंग फ्रॉम और टू द नर्व सेल प्रेजेंट इन ग्रे मैटर. यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स होंगे. सो मेनी इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स आर हियर इन ग्रे मैटर. और यहाँ पे व्हाइट मैटर की अगर बात करें तो ये मेनली बना हुआ है न्यूरॉन्स का, जो कि कनेक्ट करते हैं वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी को ब्रेन से, और ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं. बहुत सारे बॉडी पार्ट जिनको कि हम ब्रेन से कनेक्ट करते हैं, ये बी में बॉडी पार्ट्स आप लिख सकते हैं. और फाइनली ब्रेन को किससे कनेक्ट किया जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको बताने चल रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट. 100% यहीं से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में. आप लिख सकते हैं यहाँ फॉर बोर्ड्स, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो ग्रे मैटर होता है वो, अगर हम ब्रेन की बात करें तो हमारे पास ग्रे मैटर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीजें हैं. अगर हम लोग ब्रेन की बात करें तो जो हमारा ग्रे मैटर है ये आउटसाइड होता है, आउटसाइड या आउटर साइड आप लिख सकते हैं. और जबकि स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पर होगा? ये सेंट्रल कोर में होगा, या इनसाइड आप कह सकते हैं. इफ ग्रे मैटर इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस, या फिर आप आउटसाइड बोलिए या फिर आप सरफेस बोल दीजिए, बात दोनों एक ही है. और आगे बात अगर हम लोग करें व्हाइट मैटर की, मेनली ये बना हुआ है, आपको मैंने बताया हुआ है, एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन विच विल कनेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी विद द ब्रेन एंड ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. अगली बात अगर इसकी लोकेशन की करें, यहाँ पे भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीजें होंगी, सेम वही चीज होगी. ब्रेन में अगर हम लोग जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, वहां पे आउटसाइड था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कहाँ हो जाएगा? इनसाइड हो जाएगा, या आप डीप इनसाइड लिख सकते, डीपर साइड. और स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम लोग बात करें, व्हाइट मैटर जो होगा वो स्पाइनल कॉर्ड में कहां पर होगा? आउटर लेयर, क्योंकि वहां पे सेंट्रल कोर में था, यहाँ पे आउटर लेयर. तो ये कुछ बेसिक्स थी, कुछ आपको लोकेशन वाइज स्टूडेंट्स ये रिमेम्बर करना होगा. ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म बना के. जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, जैसे कि ब्रेन और आउटसाइड. तो आप स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कोर, तो स्पाइनल कॉर्ड SC है, और इसको भी C से आप रिमेम्बर कर सकते हैं ग्रे मैटर की अगर हम लोग बात करें. और व्हाइट मैटर की अगर बात करें तो ब्रेन हमारा इनसाइड हो जाएगा, BI, और जो जस्ट एक आप लर्न रखेंगे, दूसरा आपको अपने आप ग्रे मैटर का लर्न रखिए, स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल.
बाकी आपको नेक्स्ट जो व्हाइट मटेरियल्स को रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप क्वेश्चंस यहीं से आते हैं ज्यादातर, लोकेशन से। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगेन वी विल मीट विद अ न्यू टॉपिक दैट विल बी ह्यूमन ब्रेन।